अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो। मैं हूं मोहम्मद अनवर। आज की जो वीडियो की टॉपिक है वो है मसाले, बन्नों का मसाला, वीआईपी मसाला चाट। अलासिफ स्क्वायर में एंटर होते हुए ही आपको ये सबसे पहले कपड़े वाली दुकान के साइड मार्केट पे आपको ये बन्नों का मसाले वाला मिलेगा, जो कि बहुत ही शानदार मसाला, बन्नों का मसाला। आप बन्नों पुलाव भी बना सकते। सस्ते दाम पर मसाला बना कर देंगे। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं और सामान खरीद के लेकर जाते हैं। ये कपड़े की मार्केट है और इसी मार्केट में जैसे आप दाखिल होते हैं तो कपड़े की मार्केट और गोश्त की मार्केट शुरू हो जाती है। यहाँ आपको ये मसाला बना कर देंगे और सबसे बेहतरीन मसाला। का कारीगर जो कास्ट भी इनकी बन्नों की है और मसाला भी ये बन्नों का ऐसा बनाते हैं कि मत पूछें आप, जो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच। हम आगे मज़ीद आपको इसके बारे में आगाह करने वाले हैं। आप जुड़े रहें, स्क्रीन में देखते रहें कि ये मसाले किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। यह है बन्नों का मसाला। ये देख सकते हैं कि आप, ये मार्केट है पूरी और इसी ये रास्ता है, यहाँ से आप अलासिफ स्क्वायर दाखिल होंगे, यहाँ से अंदर आएंगे, ये अल हमैन होटल है, अंदर का अलासिफ स्क्वायर का मंजर है और ये टॉफी वाली दुकान। यहाँ पर आपको देसी घी वगैरह हर चीज़ मौजूद मिलेगी। ये टॉफियाँ हैं यहाँ पर, ईरानी मज़ीद बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। ये देखो, ये वो ठेलों पे चल रहा है, आलू पराठा है। अच्छा, आलू पराठा मसाला। ये आलू पराठा मसाला है, ये वो ठेलों पे चल रहा है, ये वो ठेलों पे ज्यादा लोग लेकर जाएगा। ये छोले मसाला है, ये ये छोला मसाला है, ये वो ठेलों पे लेकर जाना। और ये बिरयानी मसाला है, देखो ये कौरमा मसाला है।
ये कौरमा मसाला है, हाँ ये भी हम लोग होटलों पे लेकर जाएंगे। और ये बिरयानी मसाला है, देखो इसमें आलू बुखारा है, इसमें इमली है, इसमें सब कुछ सारा मिला और सारा तैयार हो गया। ये बिरयानी मसाला है और वो कढ़ाई मसाला है, सब चीज़ें जो माल मांगेगा वही माल। अच्छा आपका कार्ड यही नंबर व्हाट्सएप, ये दोनों नंबर व्हाट्सएप पे है। मसाले की जो दुकान है बन्नू के नाम से, ये मशहूर है किस नाम से? ये बन्नू मसाले के नाम से। ज्यादातर कौन से मसाले लेने के लिए आते हैं? ज्यादातर इधर ये सिर्फ बूटे का मसाला है और चिकन टिक्का है और ये मिक्स मसाला है, कढ़ाई मसाला है और आलू मसाला है। बन्नू पुलाव बनाना है, बन्नू पुलाव का मसाला चाहिए? हाँ वो भी मिलेगा, वो भी आपके पास अच्छे से मसाला मिलेगा। आपके जो यहाँ के जो रेट हैं, चीज़ें तो हमने देख ली है, मसाले जो सब के उसकी तो हमने अच्छी तरीके से देख ली, वो तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। बाकी आपके जो रेट हैं, वो जो रेट आप किस तरह देते हैं बाकी लोगों से? रेट इंशाल्लाह सारा कराची से सस्ता इधर मिलेगा और अच्छा माल मिलेगा। उसके सामने पिसा करके दूंगा, मशीने पड़ा है उसके सामने बना करके देगा इधर। अच्छा, लास्ट जैसा भी मसाला बोले मिलेगा, कौन सा मसाला बोलेगा इधर लिखा हुआ है वही मसाला आपके हाथ बना करके दे सकता है। इधर हमारा पास बंदे है, हमारा पास साजे पड़ा है, कारीगर भी आपके पास, कारीगर है हमारा पास, वो बना करके आपके हाथ देगा वही मसाला। कौन सा मसाला देगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई जी? शुक्र अल्लाह का बिल्कुल। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें हमें। मेरा नाम है रुमान, रे रुमान, और बन्नू का रिहायशी हूँ। और काफ़ी टाइम से मतलब मसालों के जो हमारा जितना भी सारा खानदान इसी मसालों का काम करते हैं, अलग अलग जगहों पे ब्रांचेज हैं इसकी, और ये एक ब्रांच है हमारी अलसेफ में, और मतलब माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी चलती है और बहुत ही फास्ट चलती है, अच्छी दुकान है। अच्छा तो आप यानी आप तो माशाल्लाह काफ़ी हुनर समझ गए होंगे इस चीज़ मसाले के बारे में। अगर कोई भी आपसे अगर पाकिस्तानी मसाला या इंडियन मसाला या किसी टाइप टॉपिक के भी मसाले अगर आपसे मांगते हैं तो आप क्या उनको बना कर दे सकते हो? जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह से के यहाँ पे तो है जो अब यहाँ पे जो काम है आला सेफ में, यहाँ पे इस तरह के लोग भी मसाले मांग लेते हैं कि आपको नाम तक भी नहीं आएगा कि ये नाम मैंने कहाँ से सीखा और कहाँ से इन लोगों ने सीखा है। और फिर भी माशाल्लाह से जब मसाला बना कर दे देता हूँ उनको तो वो खुश होते हैं और बहुत ही अच्छे मज़े से खाते हैं उन मसाले को, कहते हैं कि यार आपने जो मसाला बना कर दिया बड़े ज़बरदस्त मसाला दिया है। एक नाम मैं आपको एक नाम बताऊंगा मसाले का, कहते हैं कि अजवा मसाला बना कर दे दें। अब अजवा मसाला जो है, अब किसी ने भी ये नाम नहीं सुना होगा कि अजवा मसाला क्या चीज़ है। अजवा सुना होगा, मसाला नहीं सुना होगा, मसाला नहीं सुना होगा कि ये अजवा तो मतलब खजूर का नाम है, खजूर का नाम। तो अजवा ये किस तरह, तो मसाला बना कर दे देते हैं अजवा का, फिर वो घर में जाके बनाते और खाते, मतलब जो टेस्ट क्या होता है वो भी होता है। चलो और बाकी मजीद अगर आपसे लोग आते हैं अभी जो है मसाले अपने फरमाइश से बनाते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग आते हैं और फरमाइश से मसाले बनाते हैं कि हमें कह देते हैं, हम तो फार्मूले के तौर पर बनाते हैं मसाले, सारे मसाले हमारे पास बने हुए होते हैं कि बिरयानी मसाला, कोरमा, कढ़ाई, नियार, ये सब बने हुए होते हैं। पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप हमारे सामने बना कर दे दें कि हम भी देख ले कि आप किस तरह मसाला बनाते हैं, तो उनके सामने भी हम वही मसाला बना कर दे देते हैं उनको, और माशाल्लाह से उनको बहुत ही पसंद होता है और जायका भी अच्छा होता है उसका।
तो पसंद करते लोग और आते हैं और यही मतलब उनके सामने भी बना कर देते हैं और वैसे हमारे पास अपने फॉर्मूले भी तैयार होते हैं। तो आप तो माशाल्लाह यूट्यूबर भी हैं मेरे ख्याल से।